A very good morning, dear students. As we are going through the unit Green Skills, so today we will learn about some topics of this unit. Okay, so first is define green skills. So what is green skills? Green skills are the knowledge, abilities, values and attitudes needed to live in, develop and support a society which reduces the negative impact of human activity on the environment. So green skills kya hai? Green skills aisi knowledge hai, एबिलिटीज हैं, वैल्यूज और एटीट्यूड्स हैं जिसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी उस सोसाइटी में रह सकते हैं. ओके, सो किसके थ्रू करते हैं? अपनी नॉलेज, एबिलिटी और वैल्यूज के थ्रू. ओके, सो ये क्या है? हमारी ग्रीन स्किल्स हैं. सो विच रिड्यूसेस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन द एनवायरमेंट. सो ग्रीन स्किल्स के थ्रू जो ह्यूमन एक्टिविटी की नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन इकोनॉमी. सो ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी दैट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल इक्विटी वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैसिटीज. सो ग्रीन इकोनॉमी क्या है? एक ऐसी इकोनॉमी है जो रिजल्ट देती है हमारी ह्यूमन बीइंग को इम्प्रूव करके और हमारी सोशल इक्वालिटी को. ओके, जिसके थ्रू ग्रीन इकोनॉमी हमारी सोशल इक्वालिटी को इम्प्रूव करता है और हमारी ह्यूमन वेलबीइंग को इम्प्रूव करता है वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैसिटीज. मीन्स हमारी इन्वायरमेंटल में जितने भी रिस्क हैं, हमारी इकोलॉजिकल के स्कैसिटीज हैं, इन सबको वो रिड्यूस करता है. ओके, सो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ग्रीन इकोनॉमी एक बेनिफिट होती है. ओके, और हमारे इस इन्वायरमेंट के रिस्क को वो डिक्रीज करता है और हमारे ह्यूमन बीइंग के वेलबींग को इम्प्रूव करता है और हमारी सोशल इक्वालिटी को इम्प्रूव करता है हमारा ग्रीन इकोनॉमी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन जॉब. So green job is defined as a work in agriculture, manufacturing, research and development, administrative and service activities that contributes towards preserving or restoring the quality of environment. So green job कैसे define किया गया? ऐसा work जो कि हम agriculture में, manufacturing में, research और development, administrative और service activities में जो भी वर्क करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स प्रिजर्विंग और रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. हमारी एनवायरनमेंट की क्वालिटी को रिस्टोर और प्रिजर्व करते हैं. ओके, सो ग्रीन जॉब एक ऐसी जॉब है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को रिस्टोर या फिर प्रिजर्व करते हैं. ओके, सो ये जॉब हमारी किसमें होती है? एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सर्विस एक्टिविटीज में. ओके, सो ये सारी वर्क हमारी एनवायरनमेंट को रिस्टोर और प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. ओके, सो इन जॉब्स को हम कहते हैं ग्रीन जॉब. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिक्स की पॉइंट्स ऑन व्हिच ग्रीन इकोनॉमी इज बेस्ड. सो हमारे सिक्स पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें हमारी ग्रीन इकोनॉमी बेस्ड है. ओके, फर्स्ट है हमारा क्लीन ट्रांसपोर्टेशन. हमारे ट्रांसपोर्टेशन हमेशा क्लीन रहनी चाहिए. सेकेंड, एफिशिएंट एंड क्लियर एनर्जी प्रोडक्शन. सो हमारे जो भी प्रोडक्शन होने चाहिए वो हमेशा क्लियर और एफिशिएंट होने चाहिए. ओके, थर्ड वन वाटर मैनेजमेंट. फोर्थ वन लैंड मैनेजमेंट. फिफ्थ ग्रीनर बिल्डिंग्स. सिक्स्थ वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल. ओके, सो दीज सिक्स आर दी की पॉइंट्स विच ग्रीन इकोनॉमी इज बेस्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अवर एम ऑफ ग्रीन इकोनॉमी. ओके, so there are three aims of our green economy. So the United Nations Environment Program UNEP has proposed a three-pronged approach for the attainment of the green economy. So हमारे United Nations Environment Program ने three-pronged approach किए हैं हमारी green economy के लिए. Okay, सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने थ्री प्रॉन्च्ड अप्रोच बनाए हैं जिसके थ्रू वो अचीव कर सकते हैं ग्रीन इकोनॉमी को. ओके, अटेनमेंट मीन्स अचीवमेंट. नाउ फर्स्ट वन इज लो कार्बन
ग्रोथ। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड ऑयल हैव इंक्रीज्ड द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मिथेन इन द एटमोसफियर। सो ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ओके, जब भी ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज हैं, जब वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हमारा किस में कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है, CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है, ओके, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मिथेन इन द एटमोसफेयर। दिस प्रिवेंट्स अर्थ फ्रॉम कूलिंग एट नाइट, थस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। सो जब हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड मिथेन, ओके, हमारा जो कंसेंट्रेशन है CO2 का और ग्रीन हाउस गैसेस का, ये इनका कंसेंट्रेशन जब इंक्रीज करता है तो ये प्रिवेंट करते हैं हमारी नाइट में कूलिंग के लिए, ओके। सो नाइट में जो हमारी कूलिंग होती है उसे वो प्रिवेंट करते हैं, उसे रोकते हैं, थस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करता है और हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। द टर्म लो कार्बन मीन्स रिडक्शन ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। सो लो कार्बन मीन्स का मतलब है कि हमारा जो ग्रीन हाउस में गैसेस का एमिशन है उनका रिडक्शन हो रहा है, ओके। सो देयर आर सम कंसिक्वेंसेस ऑफ कार्बन ग्रोथ। फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग मोर वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉज कर रहा है, वाइल्ड फायर्स, ड्रॉट्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ओके। ग्लोबल वार्मिंग के जैसे हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज कर रहा है तो उसके थ्रू हमारा वाइल्ड फायर्स भी कॉज करता है, ओके, ड्रॉट्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू एयर पॉल्यूशन क्रिएटिंग एसिड रेन्स। एसिड रेन्स डैमेज ट्रीज एंड अदर प्लांट लाइफ एंड फर्दर पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल। सो CO2 के थ्रू हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या क्रिएट करता है, एसिड रेन को क्रिएट करता है, ओके। सो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारे एयर पॉल्यूशन में जो हमारी गैसेस होती हैं जब वो रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बनती हैं, एसिड रेन्स बनती हैं, ओके। सो एसिड रेन्स डैमेज ट्रीज एंड अदर प्लांट लाइफ एंड फर्दर पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल। सो एसिड रेन हमारे ट्रीज और प्लांट्स को भी डैमेज करते हैं और हमारे वाटर सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं। थर्ड इज पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल कंटामिनेट वेजिटेशन दैट वी इवेंचुअली कंज्यूम। सो जो हमारे पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल कंटामिनेट वेजिटेशन है वो इवेंचुअली हम कंज्यूम कर लेते हैं, ओके। सो इन सब के थ्रू हमारा जो कार्बन का ग्रोथ है वो इंक्रीज करता है। सो नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स एफिशिएंसी। एज वी आर डिप्लीटिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज बाय ओवर यूजिंग एंड एक्सप्लॉयटिंग दैम, ग्रीन इकोनॉमी कंजर्व्स दीज रिसोर्सेज एज इट इन्वॉल्व्स। सो एज वी आर डिप्लीटिंग अवर नेचुरल रिसोर्सेज, सो जैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज कर रहे हैं या उसे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं तो हमारा ग्रीन इकोनॉमी कंजर्व दीज रिसोर्सेज, हमारी ग्रीन इकोनॉमी इन रिसोर्सेज को कंजर्व करते हैं, रिसोर्सेज को प्रिवेंट करते हैं। एज इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी by using the resources economically and without affecting the environment. In other words, the green economy emphasis becoming more resource efficient. और दूसरे words में हम कह सकते हैं कि हमारा जो green economy है वो क्या बन रहा है, resource efficient बन रहा है, okay. So resource efficiency involves efforts at three levels. So हमारा resource efficiency 3 लेवल्स पे एफर्ट करता है, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल, ओके। नाउ द लास्ट वन इज सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन एसेंशियली मींस शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रीन प्रैक्टिसेस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, leading to the growth in income and employment through green jobs. So social inclusion ka meaning hai essentially means sharing the responsibility. Social inclusion ka matlab hai ki wo
लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करता है, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स को शेयर करता है हमारी सोसाइटी में. द शिफ्ट टूवर्ड्स ग्रीन प्रैक्टिसेस रिक्वायर इन्वेस्टमेंट बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू ग्रीन जॉब्स. सो ग्रीन जॉब के थ्रू हमारी जो पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में हैं उनमें हमारी इनकम भी ग्रोथ होती है और हमारी इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट भी प्रिवेंट रहता है. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ आवर दिस यूनिट इज कंप्लीटेड. थैंक यू, हैव अ गुड डे.